पर मैं हूं आपके साथ राहुल। जहां केंद्रीय राज्य मंत्री सीआर चौधरी सोमवार को परबतसर के दौरे पर रहे, राज्य मंत्री चौधरी ने आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं से रायशुमारी की। वहीं इस अवसर पर उन्होंने भाजपा जिला महामंत्री नवरतनमल सिंघवी, सुशील चौधरी, जिला मंत्री गोपाल गुर्जर, पूर्व पालिका अध्यक्ष अरुण कुमार माथुर एवं रमेश बागड़ा आदि भाजपा पदाधिकारियों से चर्चा की। इससे पहले राज्य मंत्री चौधरी ने सैनिक कल्याण समिति के अध्यक्ष राम बल्लभ सांखला के निधन हो जाने के कारण सांखला के आवास पर जाकर बैठक में भाग लिया एवं उनके परिजनों को ढांढस बंधाया। इसी प्रकार उन्होंने सड़क दुर्घटना में उप निरीक्षक सुमेर सिंह की मौत होने पर दुख भी जताया। उन्होंने मृतक एसआई एवं घायल सिपाहियों को विभाग से सहायता राशि देने और पुलिस बेड़े में एस्कॉर्ट के लिए नए वाहन उपलब्ध कराने एवं वाहनों के उचित रखरखाव कराने की सुविधा के लिए पुलिस के उच्च अधिकारियों को अवगत करवाने की बात भी कही। अंत में मंत्री चौधरी ने गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं परबतसर थानाधिकारी सुमेर सिंह का रविवार को हार्डकोर अपराधी को ले जा रही रोडवेज बस के एस्कॉर्ट करते समय सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद पोस्टमार्टम करवाकर सोमवार को शव परिजन सुबह ने अपने मांगलियावास थाना क्षेत्र के गांव गोला लेकर पहुंचे। गांव में रविवार सूचना के बाद से ही मातम छाया हुआ था। सुबह से ही गांव में आसपास के ग्रामीणों के सहित रिश्तेदारों की भीड़ जमा होने लगी। सुबह करीब 9 बजे गांव में नागौर और अजमेर पुलिस के अधिकारी परिजनों के साथ शव लेकर गांव में पहुंचे। घर से मुख्य बाजार होती हुई अंतिम यात्रा निकालते हुए शमशान स्थल पहुंची, जहां मृतक थानाधिकारी के पुत्र नवदीप सिंह एवं प्रदीप सिंह ने मुखाग्नि देते हुए चिता को अग्नि दी। वहीं इस अवसर पर पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। दाह संस्कार में शिरकत करने अजमेर जिला पुलिस उपाधीक्षक पन्नालाल, अजमेर सीओ ग्रामीण विनोद कुमार, सीओ मकराना सुरेश कुमार, एसएचओ परबतसर सुभाष एवं एसएचओ मांगलियावास अयूब खान सहित सैकड़ों ग्रामीण एवं पुलिस कर्मचारी मौजूद थे। दाह संस्कार के बाद सभी मृतक सुमेर सिंह के घर पहुंचे, जहां पर पुलिस अधिकारियों ने नागौर पुलिस अधीक्षक की ओर से एवं नागौर पुलिस की ओर से परिजनों को लिफाफा देते हुए ढांढस बंधाया। बोराबर सहित ग्रामीण अंचल में होली पर फागोत्सव की धूम मची है। महिलाओं द्वारा बच्चे की जन्म की खुशी में ढूंढ पूजन कर उसके स्वस्थ और दीर्घायु की कामना की जा रही है, तो कहीं मंदिरों में फागोत्सव के तहत होली के लोकगीतों की गूंज दिखाई दे रही है। रात को युवा और बुजुर्ग कलाकारों द्वारा जंग की थाप, फाल्गुनी गीतों के साथ रस्सियों के थिरकते कदम, होलियों के गूंजते स्वर, कलाकारों के उतरते एवं चढ़ते बोल, ऐसा ही नजारा यहां पर देखने को मिला। महिलाएं दिन में बाजार में घरेलू सामान और फैंसी दुकानों पर खरीदारी में लग गई है, तो बच्चे पिचकारी और रंग की खरीदारी में लग गए हैं। बोराबर रेलवे स्टेशन से कालवा रेलवे फाटक के पास एक मालगाड़ी का इंजन अचानक खराब होने से वहां पर खड़ा हो गया। मालगाड़ी ड्राइवर एवं सहायक स्टाफ ने उसे दुरुस्त करने का प्रयास किया, लेकिन वो विफल रहे। जोधपुर से भोपाल जाने वाली ट्रेन का बोराबर पहुंचने पर निर्धारित समय के दौरान मालगाड़ी एक घंटे तक वहां पर खड़ी रही। बोराबर स्टेशन पर बैठे यात्री बेसब्री से ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। रेलवे फाटक के दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई। दोपहिया वाहन चालक फाटक के नीचे से गुजर कर निकल रहे थे। लगभग एक घंटे के लगे जाम में पुलिस विभाग एवं विद्युत निगम सहित कई सरकारी वाहन भी जाम में फंस गए। वहीं कालवा, मनाना, रानीगांव एवं खाटू होते हुए नागौर जाने वाली बसें भी समस्या के चलते अपने गंतव्य स्थान पर एक घंटे देरी से पहुंचे। वहीं उसमें सवार यात्रियों को भारी परेशानियां उठानी पड़ी। ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर से संवाददाता ने इस बाबत पूछा तो वो किसी भी तरह की जानकारी देने से इनकार करते हुए कहा कि ये रेलवे का गोपनीय मामला है, हम कुछ भी नहीं बता सकते। हमने बता दिया तो हमारी नौकरी भी खतरे में पड़ जाएगी। ऐसी समस्या तो आए दिन होती ही रहती है। ये रेलवे का मामला है, जनता का नहीं, जिसे हम सार्वजनिक करें। संवाददाता ने मौके पर देखा कि किसी तरह मालगाड़ी को ब्रेक लगाकर बोराबर रेलवे स्टेशन के 2 नंबर मुख्य पटरी पर खड़ा किया गया। एक रेलवे कर्मचारी ने अपना नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया कि सामने से आ रही जोधपुर भोपाल का इंजन डिगाना से यहां आ रहा है, जिसे मालगाड़ी से टॉर्चर कर आगे ले जाया जाएगा। बड़ी मुश्किल से मालगाड़ी स्टेशन पर खड़ी होने के बाद रेलवे फाटक को खोला गया, तब जाकर जाम लगे वाहनों का आवागमन वहां पर शुरू हो सका।
हरनावा ग्राम पंचायत के गांव चारणवास एवं सीमारों की ढाणी के लोग काफी समय से पेयजल की किल्लत से जूझ रहे हैं। ग्रामीण मंजू देवी एवं सुनीता बारूपाल ने बताया कि पिछले 2 साल से गांव में पेयजल की संकट बनी हुई है। गांव में 400 घरों की आबादी पर 8 टंकी बनी है, मगर इनमें 7 टंकियां लगातार खाली पड़ी हुई है। मात्र 1 टंकी में बावड़ी से पानी आता है, जिसमें आधा घंटा पानी की आवक को लेकर ग्रामीण सुबह से लेकर देर शाम तक बर्तन लिए कतार में ही खड़े रहते हैं। यहाँ पर 3 हैंडपंप भी लगे हैं, लेकिन सभी के सभी नकारा हैं। हालात ऐसे हैं कि ग्रामीण टैंकर डलवा कर काम चला रहे हैं। सीमारों की ढाणी पंचायत समिति सदस्य सुनीता चौधरी ने बताया कि ढाणी में बनी टंकी लंबे समय से खाली पड़ी है। बीसलपुर लाइन से भी ढाणी को नहीं जोड़ा गया है। इंदिरा गांधी योजना के लाभ से भी ये गांव वंचित है, इसके चलते पेयजल संकट लगातार यहां पर गहराता जा रहा है। मकराना पंचायत समिति के खेड़ीशिला ग्राम पंचायत के कुचिपला ग्राम में भी विभागीय उदासीनता के चलते ग्रामीणों को दूर से पानी लाकर प्यास बुझानी पड़ती है। लोग पेयजल की किल्लत की वजह से मजबूरन महंगे भाव में पानी के टैंकर डलवाने पर मजबूर है। YouTube चैनल कस्बे के हॉस्पिटल रोड कन्या पाठशाला की गली में बछड़े पर आवारा श्वानों के झुंड ने अपना हमला कर उसे घायल कर दिया, जिसके बाद पार्षद विनोद सोलंकी ने श्वानों के झुंड को हटाकर घायल गौवंश बछड़े को चिकित्सालय पहुंचाकर उसका इलाज कराकर उसकी जान बचाई। इसे लेकर पार्षद ने बताया कि आवारा पशुओं से आमजन लगातार परेशान है, दुर्घटनाएं होती रहती है, पर नगर परिषद प्रशासन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं देता है। वही मकराना के निकटवर्ती ग्राम कुचामन में न्यू कॉलोनी स्थित विकास भवन में सोमवार को स्थानीय मीडिया कर्मियों का होली महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे एनएचएम के निदेशक डॉक्टर समित शर्मा ने पत्रकारों द्वारा तैयार की गई टाइम्स बुकलेट का विमोचन किया। उन्होंने शहर के लोगों, अधिकारियों, विभिन्न संस्थाओं एवं संगठनों से जुड़े लोगों के नाम पर हास्यमयी टाइटल निकालने और होली स्नेह मिलन सम्मेलन के आयोजन को सराहनीय बताया। वही कार्यक्रम में कुचामन विकास समिति अध्यक्ष ओम प्रकाश काबरा, नटवर लाल वक्ता, मोहन लाल सोनी, कर्नल नंद किशोर ढाका एवं DSP ताराचंद सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद थे। मकराना के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खास खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ फ्लैश के साथ। नमस्कार।